नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। एक मुद्दा जो बहुत छाया हुआ है अभी पूरे भारत में, वो है उत्तराखंड के चमोली में स्थित जोशीमठ का। जोशीमठ जो है उसे हम जानते हैं बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी में जाने का एंट्री पॉइंट जो है उसके तौर पे। जोशीमठ का एक प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है हमेशा से, क्योंकि उत्तराखंड को आप जानते हैं देवभूमि कहा जाता है और बद्रीनाथ जो है वो तीर्थ स्थान है, बहुत हिंदुओं का माना हुआ तीर्थ स्थान है और वहाँ जाने के लिए एंट्री पॉइंट जो है वो जोशीमठ से होकर के जाता है। इसका महत्व जो है वो हमें कहीं भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इस अपने आप जानते हैं कि वहाँ जाना है अगर उस तीर्थ स्थान पर तो आपको उस जोशीमठ से होकर के जाना है। तो वैसे भी वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए वहाँ का एक अलग ही महत्व है। अभी जोशीमठ जो है वो पूरी खबरों में छाया हुआ है। कारण ये है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। अब इसके ऊपर पूरी बात करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और अभी वहाँ का क्या हाल है। देखिए, जोशीमठ के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी 603 घरों में लगभग वहाँ दरार आ गई है और उसका कारण जो है मोटे तौर पर ये बताया जा रहा है कि जोशीमठ जहाँ स्थित है उस जमीन के नीचे एक सुरंग जो है वो जा रही है और उसमें कुछ काम चल रहा है और वहाँ पर ब्लास्टिंग और इस काम की वजह से अंधाधुंध मशीनें जो खुदाई कर रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ी दरारों के रूप में सामने आया है। और अब स्थिति ये हो गई है कि उसे आज सोमवार को अगर बात करें तो उसे आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और वहाँ पे 70 से ज़्यादा परिवारों को जो है विस्थापित कर दिया गया है। BMO से रविवार को मीटिंग ली गई है और ये वहाँ के हालातों का जायजा लेने के बाद उसे आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और ये बताया गया कि किस तरह से अब PM ने खुद जो है वहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी से बात करके ये पता लगाया है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितनों को नुकसान हुआ है और कितने लोगों के विस्थापन के लिए आखिर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो अब बड़ा जो है सवाल यहाँ पर यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें दरारें आने का जो एक क्रम था वो 13 साल पहले से शुरू हो चुका है। 13 साल तक धीरे 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 उनमें दरारें आने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था। तो सवाल बहुत बड़ा यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि तब 13 साल तक क्यों हमारी सरकारें सोती रही, क्यों उस जगह के लिए कोई काम, क्यों इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए उसको फिर से रीस्टोर करने के लिए, उसको फिर से सही करने के लिए। क्यों अब जब जान माल पर बन आई है तब सरकारें और सारा प्रशासन और सारा देश जो है जोशीमठ को लेकर के इतना सीरियस नजर आ रहा है। वहां पे रहने वाले जो 603 परिवार है, जो घर है वहां पर, वहां अब इतना बड़ा खतरा जो है सबके सर पे मंडरा रहा है और लगभग 100 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कभी भी ढह जाएंगे। वहां जो रहने वाले लोग हैं, जब CM पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलने गए तो वहां पे कई लोग, महिलाएं ने उन्हें घेर लिया, लोग उनसे गले मिलकर रो पड़े कि आखिर अपने ही घर में रहने में हमको अब डर लग रहा है। घर के बाहर वो इतनी कड़ाके की सर्दी में जब हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और अपने घरों में दुबके रहना पसंद करते हैं, इसके बावजूद इस भरी ठंड में और उत्तराखंड की सर्दी से आप वाकिफ होंगे, वहां पर इस कदर इस माहौल में भी अगर लोग घरों के बाहर रातें दिन रात अपने बिताने को मजबूर है क्योंकि डर के सायरे में वो लोग जी रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि कब उनके सर से जो है वो चली जाए। एक पुराना वहां पे मनोहर वार्ड है, मनोहरपुरा वार्ड है, वहां का जो SDM है कुमकुम जोशी, वहां उनका एक पुराना बयान को लेकर के भी लोगों ने हंगामा किया है। इस बयान में ये था कि कुमकुम जोशी जो SDM मैम थी, उन्होंने ये कहा था कि जब लोग उनके पास शिकायत लेकर गए तो उन्होंने कहा था कि जब छत गिर जाए तब आ जाना, 5,000-5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो अब क्योंकि स्थिति भयावह इतनी हो गई है, अब लोगों की जान पे बनाई है और अब ये बयान जो है वो फिर से वायरल हो रहा है और लोग अब इस पर काफ़ी बवाल मचा रहे हैं कि जब संभलने का वक्त था तब जो है प्रशासन इस तरह के जवाब देता है और अब जब बात हाथ से चली जाती है तब जाकर के सभी जो है पूरा मीडिया कह लीजिए, प्रशासन कह लीजिए, देश के नेता कह लीजिए, वो अब कहीं ना कहीं सब जाग रहे हैं जब बात हाथ से निकलने की आती है। आ जाते हैं वापस कि इसका कारण क्या है। देखिए, जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिन्होंने भूगोल पढ़ी है, भूगर्भ वैज्ञानिक जो है वो
इसका एक कारण बताते हैं कि ये ऐसा जो भूस्खलन हो रहा है जोशी मठ में, वो इस कारण हो रहा है कि ये जोशी मठ जो है वो मोरेन पर बसा हुआ है। अब आप समझेंगे कि आखिर मोरेन क्या होता है, तो चलिए मैं आपको मोरेन का एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ कि मोरेन आखिर होता क्या है। देखिए, ये जो जोशीमठ का जो इलाका है ये पैराग्लेशियल जोन में आता है। पैराग्लेशियल जोन मतलब किसी समय में वहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे, बर्फ की चट्टाने वहां पर थी, और उन बर्फ ग्लेशियर्स पर कई लाखों टन मिट्टी और चट्टाने वहाँ पे जमती चली गई। और फिर धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय में क्या होता है कि जब वो बर्फ अंदर से पिघल जाती है तो रह जाता है वहाँ पे वो चट्टाने और मिट्टी का मलबा। और इसी जगह को वैज्ञानिक भाषा में डिस इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब कि जिसकी ज़मीन स्थिर नहीं है, जिसका कोई बैलेंस सही से बना हुआ नहीं है। तो ऐसी ज़मीन जो है वो जोशीमठ है। तो अब धीरे धीरे क्योंकि बर्फ वहाँ से खिसक चुकी है, पिघल चुकी है, अब उस पहाड़ के खिसकने का धीरे धीरे, क्योंकि जो बेस है वो स्थिर नहीं है, तो इस कारण से क्या है कि अब वो थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है। और मोरेन पर बसती हुई कोई अगर इस तरह की बसावट है तो वो उसका खिसकना तय माना जाता है, उसका खिसकना बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। तो क्यों सरकारें उस वक्त नहीं चेती, क्यों प्रशासन जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो उस वक्त नहीं चेता कि आगे चल करके इस तरह की कोई समस्याएं हो सकती है, तो क्यों उनके पुख्ता इंतजाम पहले नहीं किए गए, क्यों उन्हें पहले से भी स्थापित नहीं किया गया, क्यों उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर के कोई सवाल नहीं किए गए, उनके इंतजाम नहीं किए गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं एकदम से। और अभी भी ऐसा है कि लोगों के घरों के बाहर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो लोगों के घरों के बाहर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और साथ ही साथ उनके घरों पर रेड क्रॉस लगाए गए हैं, ताकि ये बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है कि ये जो घर हैं वो बिल्कुल खतरे के निशान हैं, ये कभी भी ढह सकते हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं, लोगों की जान पर कभी भी बनकर आ सकती है। तो जोशीमठ को लेकर के अब पीएमओ जो है वो भी हरकत में आ गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस पूरी जो जोशीमठ की जो हालात हैं उसके ऊपर रिपोर्ट ली है, वहाँ के बारे में जाना है, और साथ ही साथ पीएमओ के द्वारा पूरी मीटिंग ली गई है जिसमें वहाँ के जो सारा प्रशासन है उनसे बात की गई है कि अब किस तरह से क्या किया जाए। अभी फिलहाल जो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि उन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, विस्थापन उनका चल रहा है, कैंप उनके लिए बना दिए गए हैं सुरक्षित, वहाँ पे उनको एक बार शिफ्ट किया जा रहा है, और फिर जो है उनके लिए किस तरह के खाना और ये सारी चीज़ें उन्हें दी जा रही है, 5,000 रुपए की राहत राशि उन्हें प्रदान की जा रही है। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें अभी तक के अपडेट्स में जोशीमठ से हम आपके सामने रख रहे हैं।